बता दें कि प्रियंका गांधी आज गोरखपुर में हैं और वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगी। इसी को लेकर हमारे रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे जी ने लोगों से बातचीत की है, क्या उनके विचार हैं देख लेते हैं। पूर्वांचल में गोरखपुर चुना है प्रियंका गांधी ने अपने प्रतिज्ञा रैली के लिए। पहली रैली बनारस में हुई थी और दूसरी रैली गोरखपुर में हो रही है। गोरखपुर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। चूंकि 40% महिलाओं के हिस्सेदारी की बात कही है प्रियंका गांधी ने, नया नारा दिया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी राजनीतिक दल ने इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं को टिकट देने की बात कही है, महिलाओं को राजनीति में ले आने की बात की है। महिलाएं हैं, बहुत सारी महिलाएं आप देख रहे हैं इस रैली में प्रियंका गांधी को सुनने आई हैं। हम इनसे बात करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैम, कहाँ आप? गोरखपुर से ही हैं? गोरखपुर की महानगर अध्यक्ष हूँ। अच्छा, महिला कांग्रेस से। अच्छा, महिला कांग्रेस से अध्यक्ष हैं, तो आप तो मतलब सब वही बोलेंगी तो हमें लगता है कि पदाधिकारी के अलावा किसी और से बात। आप मैम जी, मैं बनारस से रितु पांडे, शहर अध्यक्ष। अच्छा ठीक है, एक चीज, आप लोग कांग्रेस में काफी समय से रही होंगे, लेकिन प्रियंका जी ने जो ये 40% महिलाओं को टिकट देने की बात कही है, कुछ उम्मीद बढ़ी है आप लोगों की? अब अभी राजनीति में तो वही है, मौका मिलेगा चुनाव लड़ने का भी? जी बिल्कुल, माननीय प्रियंका गांधी जी ने जो महिलाओं की 40% सीट जो आरक्षित की है, उससे कहीं ना कहीं महिलाओं का भी सम्मान बढ़ा हुआ है। तो महिलाओं के साथ साथ बच्चियों में भी वो खुशी जो है वो बयार की तरफ बह रही है, वो बहुत मतलब हर जगह देखी जा रही है, पूरे उत्तर प्रदेश में देखी जा रही है। इन बच्चों से बात करते हैं, कहाँ से बेटा, कहाँ से? प्रियंका जी से मिलने। अच्छा, प्रियंका जी से मिलना है आपको? क्यों मिलना है प्रियंका गांधी से? हम बच्चों को पढ़ना है। अच्छा, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा वैसे उस हिसाब से पास नहीं है बच्चे हैं। जी सर, हम लोग खड़े हमारे हम लोग कांग्रेस सेवा दल से हैं, बहुत दिन से हैं सर, और जहाँ भी प्रोग्राम होता है वहाँ से हम लोग आते हैं। आप कहाँ से आई हैं? अलीलाबाद से आए हैं। किस लिए आई हैं? बस प्रियंका गांधी से मिलने आए हैं। अच्छा, मिलने आए हैं, उम्मीद है आपको मुलाकात होगी प्रियंका गांधी? क्यों नहीं मुलाकात होगी। नेता होते हैं वो घोषणाएं तो कर देते हैं, लेकिन पब्लिक तक वो मैसेज नहीं पहुंच पाता, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके पास अभी ये मैसेज नहीं पहुंचा। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि हर जो भी आया है वो सिर्फ प्रियंका गांधी से मिलने आया है, उन्हें प्रियंका गांधी के बारे में मालूम है। हालांकि प्रियंका गांधी ने क्या घोषणाएं की हैं, महिलाओं को लेके क्या बात कही है, लड़कियों के लिए क्या बात कही है, लड़कियों के लिए क्या वायदे किए हैं, उन्होंने क्या कहा है कि स्नातक बच्चियों के लिए क्या घोषणा की है, जो इंटर पास छात्राएं हैं उनके लिए क्या घोषणा की, ये अभी यहाँ पर लोगों को थोड़ा कम जानकारी है। लेकिन फिर भी एक जो कहा जा सकता है कि एक उत्सुकता प्रियंका गांधी को देखने की, वो यहाँ लोगों में बनी हुई है। गोरखपुर से कैमरामैन सत्येंद्र के साथ मनीष पांडे, के न्यूज इंडिया। जी हाँ, तो यहाँ पर मनीष पांडे जी ने बातचीत की है गोरखपुर से। खबर प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा रैली है आज गोरखपुर में, पूर्वांचल में गोरखपुर चुना है उन्होंने। रैली में खचाखच भरा है मैदान, बनारस से बड़ी रैली करने का कांग्रेस का ये दावा है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मंच पर पहुंच चुके हैं, सलमान खुर्शीद, तस्मुद्दीन सिद्दीकी, इमरान सहित कई नेता मंच पर मौजूद हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू भी हैं, प्रमोद तिवारी, आरपीएम सिंह, सुप्रिया सिंह श्रीनेत भी मंच पर मौजूद हैं। गोरखपुर से खबर, प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा रैली है आज गोरखपुर में, रैली में खचाखच भरा गोरखपुर का चंपा देवी पार्क। और अब बात करेंगे हरदोई में सपा के विजय